Panda. I got broads in the land. Just to go be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is Hasan Sagla and this is Zain Murtaza and this is Vicky. Malak Vicky Sagla. ये वीडियो ना तस्वीरों की कोनियां बना हड़प्पा की तकरीबन किताबों में यही तो पढ़ाते रहे हैं, ये और मोहनजोदड़ो। हाँ, ये दो चीज़ें तो पढ़ाते रहे हैं, बल्कि हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो विजिट सर ने लास्ट सेमेस्टर में कहा था करने का, लेकिन इस हम सेमेस्टर में कर रहे हैं। ये जो दरमियान वाला है ये 12 साल यहाँ पे रिलीज होता रहा, वो 13 साल। मैं शरीफ बच्चों में सही वाल कहूँ। और यहाँ पे लव बर्ड्स बहुत आते हैं, यहाँ पे लव बर्ड्स बहुत आते हैं। बाकी हम बात अगली नहीं करेंगे, आपको पता लग गया। तो ये कुछ मतलब ये कंट्रास्ट हैं आपके सामने, बाकी मेन चीज़ें तो ऊपर ही हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा हुए हैं तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जा रहे हैं। तो बाकी ये बोर्ड भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ, टीला ए बी का जनूबी हिस्सा नज़र आ रहा, हमें भी नहीं सही आ रहा। तो ये देखें इनका कुआँ वगैरह जो भी है, ये पुख्ता निज़ाम पे सारे। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये तब भी बड़े जदीद थे तकरीबन, मतलब ये जो नालियाँ वगैरह इनकी नज़र आ रही हैं अभी पुख्ता थी। उसके बाद उस वक्त भी घर कच्चे नहीं थे इनके, मतलब घर भी जो थे ईंटों के बने हुए थे। और दूसरा ये था कि ये लोगों को तब भी बीमारियों का इलम था, उन्होंने जो अपनी ये नालियाँ वगैरह थी उसके ऊपर ईंटें दी हुई थी ताकि जो बीमारियाँ कम फैलें। और यहाँ पर जो तजारत का सीन है कि लोग ये तजारत भी करते थे और काफ़ी दूर दूर तक मिस्र तक भी करते थे, क्योंकि यहाँ से लोहा वगैरह मिला है, तांबा चांदी एट्सेट्रा, मतलब काफ़ी चीज़ें मिली। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये तजारत करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के इन हिस्सों में ये चीज़ें नहीं हैं। और ये लोगों को उस टाइम पहिए का इस्तेमाल भी करना आता था, मतलब ये काफ़ी जदीद लोग थे। ये जो है टीला ए बी का दरमियानी इलाका है जो हमने आपको पहले दिखाया है। तो ये भी लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पर नुकसान वगैरह पहुँचाओगे तो जेल भी और जुर्माना भी है साथ। तो बाकियों को तो बताना है ना। तो इस वक्त ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है टीला एबी का जो है रिहायशी इलाका था। ये जो चीज़ें ना ये आप लोग देख रहे हैं, ये दीवारें टाइप बनी हुई हैं, ये पहले इस तरह नहीं थी। ये भी इन्होंने दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जिस तरह इनको मैप्स यहाँ पे मिले थे, पहले खुदाई के दौरान मिले, बिल्कुल उनको वैसे ही इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी देर से, क्योंकि यहाँ बारिश वगैरह आती, मिट्टी पड़ जाती तो वो नीचे चली जाती, वो धंस जाती है अंदर। तो साथ ये पुख्ता खालियाँ जो उसकी हम बात कर रहे थे, ये भी है। ये देखें आपको, ये दो ईंटें मिलाई होकर नज़र आ रही हूँ। इसको टिब्बा कहते हैं। ये जो आपको टफ टाइल नज़र आ रही है ये पहले नहीं थी, और ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी यहाँ पे, वो भी सीमेंट की बनी हुई थी। तो ये रास्ता इन्होंने अब बड़ा किया है। तो बाकी ये सीन आपको दिखाई जा रहे हैं जो जो भी हैं। वैसे आपको खुद भी विजिट करना चाहिए, स्पेशली जो हैं सहीवाल डिवीज़न वाले। सहीवाल से तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है ये सफ़र। तो एक तो तकरीबन 4-5 साल मुताले में पढ़ा के, चलो 25.5 कर ले सही, मतलब पढ़ के जोग्राफिया की, बल्कि तहरीक की किताबों में पढ़ के तो बात हुई पड़ी है। तो बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप जाएंगे, इसने जान नहीं छोड़नी, पहला चैप्टर ही ये होगा।
तो इसलिए इसे अच्छा कि आप एक दफ़ा देख लो सारा, यहाँ पे आके विजिट करो ताकि आपको पढ़ना ही नहीं पड़े यार, बात ख़त्म हो जाए। यहाँ से जो बोर्ड लगे हैं एक दफ़ा पढ़ लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। हाँ। निके होते मैं यहाँ से भागता होता। अच्छा ये भाई भागता होता था, घड़ीसी लेता था, घड़ीसी हम लेते होते थे, बहुत मजा आता था। जब बारिश आती थी ज्यादा तब मजा आता था, क्योंकि मैं यहाँ पर हड़प्पे रहता रहूँ तो यहाँ का काफी पुराना पापी हूँ और बहुत मजा आता था। ये सामने दरबार है, दिखाते हैं हम आपको, तो इसका नाम है बाबा नूरशाह। इसकी कब्र कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि कम्प्लीट है, कुछ कहते हैं कि हाफ कब्र है, काफ़ी लंबी कब्र है। बाकी आपको दिखाते हैं, 9 फीट भाई। तो ये दरबार है, तो ये कब्रे कब्रे मुबारक, तो 9 फीट की है ऑलमोस्ट, 9 गज सॉरी, ये कब्र मुबारक 9 गज की है। यहाँ पे अक्सर लोगों का ये मानना है, अकीदा है कि जो यहाँ पर ये चिराग रखे हुए हैं, ये दिए, इनमें जो तेल जलता है ना, अगर किसी के पाँव पे एलर्जी टाइप या कुछ होता है, इस तरह फोड़ा वगैरह निकला है, तो यहाँ पे लोगों का ये अकीदा है कि अगर यहाँ से तेल उठाकर वो लगाएं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पर्सनली बताएं तो मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मेरे जो पाँव है उसका जो अंगूठा है ना उसका ये हुआ था, तो मैंने 2 दफ़ा ऑपरेशन करवाया था लेकिन ठीक नहीं हुआ था, यहाँ से मैं लगाया था। तो अकीदा है लोगों का, बाकी ज़रिया ये लोग बनते हैं, लेकिन जो अल्लाह है वो बेशक शिफा देने वाला है, तो ये वसीला ये है। वसीला बिल्कुल ये है, बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में, तो मेरा वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये अब एक मस्जिद है, तो शहीद है मतलब काफ़ी पुरानी, तो वो आपको दिखाते हैं। ये उसकी बैक साइड है, यही है मस्जिद। हाँ मस्जिद यही है, तो इसकी बैक साइड है, तो दिखाते हैं आपको। तो ये पुरानी मस्जिद नाम दिया हुआ इन्होंने, द ओल्ड मॉस्क। तो बस मतलब फ्रंट वाला हिस्सा ही कुछ बाकी है, बाकी तो ऑलमोस्ट शहीद हो गई हुई है। तो बाकी और कुछ भी नहीं खास है, मतलब ये सात कब्रिस्तान आ गए, तो काफ़ी बड़ा मतलब है हड़प्पा का सबसे बड़ा जो है कब्रिस्तान है ये। बाकी आगे तो यही मतलब टीले वगैरह बने हुए, वो तो आप लोगों ने देखे हुए हैं, पीछे भी कुछ थोड़े बहुत दिखा दिए। गिदड़ भी था बिल्कुल अवैस जैसी शक्ल थी, तो गुजर गया है, शायद नजर आ जाए दोबारा। लकड़ बग्गा कहते हैं अंग्रेज को, लकड़ बग्गा नहीं लकड़ बग्गा। आइए हमारा भाई ना साबल एजुकेशन में पढ़ता रहा और पंजाब कॉलेज में भी इसने एडमिशन लिया तो उन्होंने निकाल दी है। अब ये गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में है, इसके पेपर होने वाले हैं। इनको ये नहीं पता क्लास कौन सी है। हाँ क्लास इनको नहीं पता कि कौन सी है, पता नहीं इधर किधर गया वो जो इसका था लकड़ बगड़ जो कह रहा था ये आम शक्ल लकड़ बगड़, तो नहीं है पता नहीं किधर चला गया। पर हाल चलो कोई नहीं, उसका आम शक्ल तो हमारे पास है, कॉपी है उसकी। खतरनाक चीजें भी रहती हैं, सुअर दैट्स ग्रेट ब्रो, योर उर्दू इज टू मच हाई क्लास। और यहाँ पर वो जो कंडे मारती है वो भी है, क्या कंडे मारती है वो क्या है ये हमारे पंजाबी जुबान में उसको से कहते हैं, और अगर सच बोले तो उर्दू में मुझे भी नहीं पता कि उसको हम क्या बोलेंगे। मेरे पंजाबी का भी भाई कोई नहीं पता, वो ये अगर उसके पास जाओ तो उसके अंदर हैवी किस्म के कंडे होते हैं, बहुत हैवी किस्म के कंडे होते हैं। चेक कर तो गुलाबी इंग्लिश बोल रहे आए थे भाई, कांटे उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर वो किसी इंसान को लग जाए, और ये हकीकत है अगर किसी को लग जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। ये मेरे साथ वाले भाई का ये जो गिदड़ जैसे हैं, इनकी मतलब उर्दू सुनी होनी है, बल्कि इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, पंजाबी तो इनकी क्या ही बात है। बाकी भाई क्या था, लकड़ बग्गा, लकड़ बग्गा अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं लकड़ बग्गा। तो ये गिदड़ जैसे इनकी बिल्कुल ए टू सी मतलब फोटो कॉपी है, तो हम तो पहले म्यूजियम में एंटर नहीं होने दे रहे थे, वो भाई हैं दोनों, पिछड़े हुए भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया, गुरूर करना भी नहीं है, अंग्रेज लकड़ बग्गा कहते थे इसको। तो बाकी कुछ जो पार्ट्स अगर रह गए हैं तो वो दिखा देंगे, नहीं तो मेरे तो ख्याल से कम्प्लीट हो गया व्लॉग, तो बाकी देख लेते हैं। तो ये कुछ बेंचेस पड़े हुए हैं और पीछे जगह भी है, और इधर भी बेंचेस वगैरह पड़े हैं,
यहाँ पे काफी लव बर्ड्स जो है ना देखने को मिलेंगे, आउट ऑफ सिटी से आए हुए, और मैंने तो कई दफा पकड़े भी जाते हैं। मैंने खुद पकड़े, फिर अपने सिटी का नेम लेकर कहते हैं भाई आज जान दो, अगे तो नहीं आवागे। तो ये रिहायशी बंदे ही आपको बता सकते हैं जो यहाँ पे खुद कई दफा पकड़े गए हमें, क्योंकि ये लकड़बग्घा है ना, नहीं लकड़बग्घा गिद्ध, नहीं लकड़बग्घा के की कह रहे थे, हाँ लकड़बग्घा, सॉरी अंग्रेज इसको लकड़बग्घा कहते हैं। तो बाकी गुड हो गया, चलो जी अब हो गया है व्लॉग खत्म, बस अब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, लाइक वीडियो को, हाँ ये देखो इसे नहीं, और वो प्रेस भी कर देना बेल आइकन को यार, वो लाजमी, हाँ, वो लाजमी करना है। इतनी मेहनत देखो आप, हमारे पास अंग्रेजों की ये सारे कदीमा की चीज है, लकड़ बगा है भाई। तो भाई शेयर करो व्लॉग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।